करिए महारानी जी। देख जा बाग में मित्ता बतिया दिख रही हैं। अच्छा। और मैं मनसु दिख रहा है, पर मेरी बात सुन। कहिए। और सासी कहिए। चली जाइए मेरी दासी, मेरे बाग जनाने में जनाने में मेरो बाग जनानो है, और चामे मर्दानो कोई आतना है बहन, मर्दानो कोई होए मेरी बीबी बाग से भजाए दइए। चाहिए तो मेरी दासी है ना, अरे ये तुम से गुजरा होने की नाए, जोई जोई क्योंकि रानी सोई करंगी सीधी जाऊंगी बाग के बीच, जाए के दइए पापर देसी से। अच्छा। मेरी बीबी बागन से भजाए के आइए लौट के मेरे पास में। देख बस जे कहिए जे बाग जनानो, ठीक है मैं जाती हूँ, और जा में कोई नहीं आता है मर्दानो, और जा में से भज जाओ चले जाओ, अगर इतने पे वो ना जाए तो मेरो नाम ले दिए कि बहन मारू ने पठाई, ठीक है सही है मैं जाती हूँ। के ये कह दिए जे बाग जनाना, इसमें कोई नहीं आता है मर्दाना, इस बाग से भजा के आइए, ठीक है मैं जाती हूं। और ना लिख तो मेरो नाम बता दिए कि ये मारू का बाग है, बिंगुल की रहनवारी है, उनके पिता होते हैं। अच्छा सही है, ठीक है तो खुद ही बचाओ जा। हेलो चलती हूँ बागों की तरफ, खुद गाते बजाती हुई। हेलो आरी बहना जुड़ा जाली दार बांध रही खड़ी ओ सारे में, बहना तो ईट को जवाब पत्थर से दे रहे हो, लोग कह रहे हो काय देसी उठाइए नहीं उठा, का जहां है भाई है का किस्सा कारागर हुआ कम टेबल में, कहां से आई है कौन हुए का कह रही है,
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये बाग है जनाना, इसमें अंदर नहीं आता है मर्दाना। ये जनाना बाग है? बिल्कुल। इसमें मर्दाना कोई नहीं आता है? नहीं आता है। तो मैं कौन सो मर्दान हूँ? और मैं तो आदमी हूँ। आदमी? हाँ, फिर भी मर्दाने हुए। आदमी और मर्दानों दोनों को मिला के एक ही डांट रहा है। एक ही डांट रहा है। तो हमने कुछ नुकसान तो किया नहीं है, गर्मी का मौसम है। सीरक देख करके बदियों को सीरक में बैठा दिया, एक आध घंटे में हम आराम झटक रहे। क्या कहना चाहती हो? हम बागों में से बाहर नहीं होंगे। ये सामने सैन बोर्ड लगा हुआ है, साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अबे क्या बताया था? तुम्हारे सैन बोर्ड पे काई आ गई है चौमासे की वजह से, रेखमाल से छुटवाए दे। समझ में आ रही है? तुझे मालूम होना चाहिए ये किसका बाग है। किसका बाग है? ये हमारी बहन मारू जो है। कबारू को मारू। अरे हाँ मारू। और सुने सुनाए बताओ, गर्मी के मौसम में अबे हाल नींद न आई है। और अरे रे बेरी कैसे आयो, अरे मैं तो पायल पायल आयो। और अरे रे बेरी और कैसे आयो बागी जनाने। अरे रे बेरी कैसे आयो बाग और एक रात जब बाग में आराम करके जाता हूँ। आराम? हाँ आराम करके जाता हूँ। अरे रे तोए मरवाए दूंगी तोए, कटवाए दूंगी तोए मरवाए दूंगी। अरे 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 दोनों एक फेरे में ही देगी का मेरे टिटुआ। बहुत पिटोगे टिटुआ, बोलो करो तुम्हारा। अरे रे तोए मरवाए दूंगी तोए, कटवाए दूंगी तोए चिरवाए दूंगी बेंगुल के बाग। बिल्कुल बिकवाए दूंगी तो भैया बहुत बुरो करेगी, मानेगी ना? बिल्कुल ना मानूंगी। कटवा के मेरे मांस बिकवा देगी? बिल्कुल बिकवा के छोड़ूंगी। देख बाकी बाजार में और का तो बकरा से कम ना बिकूंगा, 600 रुपया किलो बिकूंगा। ए चांगो लेकर के ना है। अरे रे तेरो मांस बिकेगो, तेरो मांस बिकेगो। बिल्कुल एरी। अरे रे तेरी जेल कराए दे बेंगुल की जेल। हेलो एरी, मेरी जेल करा देगी? बिल्कुल, मैं तेरी जेल में आ जाऊंगो। हाँ और जे मेरी 360 बदियां बैठी है जे सब तेरी 360 बदियां आ जाएंगी। और मैं हूँ आ जाऊंगो। बिल्कुल। और मेरा सामान हूँ आ जाओ, सामान का लग रहे जाओ, सब साथ आ जाओ। तो भैया तेरी जेल बहुत बड़ा है रे, तेरी जेल को दरवाजो कैसे है? मेरी जेल का दरवाजा है ओ गोल। हाँ तो मैं तो लंबो आ जाऊंगा, गोल काट दूंगी नीचे से। मेरे गोल मत काटिए, मैं घुटन पर के सब घुस जाऊंगा, घुटन पर के घुस जाऊंगा, पाए मत कटवाइए। दिमाग से बात कर, तुम कहना कहा चाहती हो? मैं जाऊंगा ना नहीं जाएगा ना। अगर मेरी बहन मारू आ गई हाँ
तो तू जाएगो बची रे हो एरी तुम इतनी ऐसी कितनी हो मैं हूँ नारियल बेली मेरे जैसी है 360 एरी 360 बिल्कुल हाँ एरी तू से सुंदर है के तू से हारती है मुझसे सुंदर हूँ मुझसे हारती हूँ तो से बड़ी हूँ मैं हाँ तो तुमसे हो से तो नारो अपनी भैंसिया के पड़ रहा को भी का भी हाल भेज रही है जल्दी जा कहाँ दिमाग खराब कर रही है लौंडिया उस रहो आए गई का आए गई बहुत देर की आए गई मैं रानी जी भजाया ही मैं बहुत मारी हूँ मारी है हाँ भजो ना ना का कई बाने बड़ी माल लगाई है ऊपर तो मैंने तो से नौकरी के बाद भजाए का ये तो मैं मार लगाई है बड़ी मारी हो सगरी सूजी पड़ी हो चलते दिखाए दे मेरी बांधी बाला खा बंजारे चलो मुझे चलिए मैं दिखाती हूँ आपके लिए आगे आगे बांधी जाए रही पीछे मारू रही जाए जाए के देखूंगी मान सको मेरी दासी तेरी बेइज्जती करी ही आज के नायब भाजो पागन से पता रही कहाँ है देखो ये सामने सुन मैं पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने मानस का मुख नहीं देखा है अच्छा अभी तक जब तक मेरे पति को छोटे है मेरे पति और मैं हूँ छोटी ही तब मेरे डलबी डलबा में भामरे पड़ गई और गोनो रह गो तो मैंने परन कर लो क्या के जब तक मैं गोनो मेरे पति नहीं ले जाएंगे करके तब तक मैं मनस का मुख ना देखूंगी मर्द का मुंह नहीं देखोगी जब तक हाँ तो बहन तुम ऐसा करो जब परदेसी को तुम खुद उठाओ जे पतिव्रता है और हम रंडी छिना रहे बहन तुम भी पतिव्रता होगी तो तुम अपने घर ही तो करोगी जा काम को मैं पतिव्रता यहाँ कर रही हूँ मैं जो कह रही हूँ उस ऑर्डर को करो पूरा इसे उठाओ उठा दासी मुझे ऐसी मालम पत्ती है जे लकड़े आएगो जो चाको तो है वो काम मरेगो जो तो अरे मरो ना है जे लकड़े आएगा वो है जाए सुबाई का वो रे साबा किया का तू जानती है कि दुनिया एक तरीका से शुरू सोमती है ना एक तरीका से सपनों देखती है सबके सपने सोमने अलग अलग होते हैं अच्छा दवाई है पलंग से
अब सुन, दूसरी बहन कहा बास के एक लंग से वो दबावे और एक लंग से तू दबा तब जे सीधो होएगो बहन। तबियो रानी का पालन पूरो करो करो जल्दी ऑर्डर पूरा। जागो तो पर रही मारे गई का बदिया समझ रहे हो हमें ना बदिया समझ रहे हो। पहले तू आई के तू आई तो मैं नाम पहचान हाथ अलग लगाए के बात करो अरे के तू आई हाथ अलग लगाए के बात करो ये बताओ। वैसी कोई बात नहीं मालूम कर रहा हूँ पहले तुम आई के तुम आई सुनो परदेसी आज तुमने मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ वहां पहुंचो। बोले क्या कहना चाहती हो? मैंने अपनी दासी भेजी हाँ। कि तुम बागन से चले जाइयो मगर तुम ना गए मैं आ गए। ये सैन बोर्ड पे पतो का लिख रहे हुए तुम्हारे सैन बोर्ड पे काई आ गई है चौमासे में छुटवा दियो रेखमाल से जहा पे ये लिख रहे हुए अपनी आखट की काई छुटवा ले ये बाग है जनाना इसमें कोई नहीं आता है मर्दान। मैं मर्दान हूँ ना और मैं आदमी हूँ। अरे तो आदमी तो हो तो मर्दान हो आदमी और मर्दान हो दोनों की मतबल एक ही है एक ही है। तो मैं एक साल में आता हूँ और इस बागीच में एक रात आराम करके तब मैं जाता हूँ। तो देखो परदेसी मेरे कहना है क्या कहना है बोलो तो तुम ऐसे जाओगे ना? ना मैं जाऊंगा ही ना अरे राजी से चले जाइया परदेसी मेरे तुम बागन से जाऊंगा ही ना मौसम में बदियों को मैंने ठहरा दिया है मैं जाऊंगा ना है।